नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। साथ इस वीडियो में हम कुछ खास बातें करना चाहते हैं। आप सारे लोग हमारे इस चैनल के परिवार के सदस्य हो, ऐसे हो सकता है कुछ लोग ये सोचें कि ये अपने वॉच टाइम बढ़ाने के लिए या लाइक पाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा है। ऐसी बात नहीं है। जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए थे तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। जब मेरे 250 सब्सक्राइबर हुए थे मैंने फिर भी वीडियो बनाई थी। और मेरे 500 सब्सक्राइबर हुए थे फिर भी मैंने वीडियो बनाई थी। अभी मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अब मेरे 1100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वैसे तो माइलस्टोन 1000 सब्सक्राइबर का था, हमें वीडियो बनाना चाहिए था 1000 सब्सक्राइबर पर, लेकिन आप लोगों का प्यार और इतना बड़ा समर्पण रहा कि कब 950 से कब 1000 हुए और कब 1100 हो गए पता ही नहीं चला है। तो 1100 सब्सक्राइबर होने पे आप सभी 1100 सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लिए 1100 नहीं 1100,000 सब्सक्राइबर के बराबर है। जब ये सफर शुरू किया था तो हमें भरोसा नहीं था कि इतना जल्दी हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 1000 का माइलस्टोन होता है, उस माइलस्टोन को आपने हमें अचीव कराया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन जो लोग 1000 तक अभी नहीं पहुँच पाए हैं और बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको कुछ शेयर करना जरूरी समझता हूँ। क्योंकि कहा गया है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज, कोई जानकारी बांटने से बढ़ती है और अच्छा करने से, लोगों की हेल्प करने से अपनी भी हेल्प होती है। तो मैं आपसे अपनी जो जर्नी से साझा करना चाहता हूँ। एक आध वीडियो मैंने 2016 में पेटीएम वगैरह के साथ में काम कर रहा था तो वो डाल दी थी। उसमें मुझे एडिटिंग वगैरह मालूम नहीं था, न तो मुझे मालूम था कैसे थंबनेल लगता है, थंबनेल क्या होता है, इस पे एड भी आता है, कुछ पता नहीं था। बस ऐसे ही डाल दिया था, मतलब एक छोटा सा खिलवाड़ जैसा था। खिलवाड़ का हद इतना था कि गाँव में बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। कोई टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल वगैरह कोई आइडिया हमको नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। कोई गीत अच्छा लगा अपलोड कर दिया तो भगवान की दया से ऐसा कुछ आया नहीं, फिर मैंने वो चीजें रिमूव की। हाँ, और गंभीर कब हुआ तो सोचना तो मैंने शुरू कर दिया 2018 में ही। 2018 की जुलाई में क्या हुआ कि मेरा एसी था, उसमें सफाई वफाई, एसी जो सफाई वगैरह प्रोसीजर था उसको मैं कर रहा था। मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर देते हैं, वो वीडियो मेरे लिस्ट में पड़ी होगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस बार भी गर्मियों में केदारनाथ गए हुए थे। केदारनाथ की यात्रा के दौरान जब हमने यात्रा किया तो सोचा कि ये जो हम यात्रा कर रहे हैं तो इसको शूट करते हैं और इसकी एक वीडियो ब्लॉग बना चैनल पे आप लोगों को शेयर करेंगे। लेकिन भगवान केदारनाथ की इच्छा नहीं थी या जो भी हो, भगवान केदारनाथ तक कोई वीडियो बन नहीं पाया। हालांकि मेरे पास वीडियो क्लिप्स और फोटो पड़े हैं, हो सकता है आगे में लगा। लेकिन केदारनाथ से एक रुद्राक्ष लेके मैं आया था तो रुद्राक्ष की एक वीडियो मैंने बना दी थी। तो आप अगर पीछे जाके अगर देखना चाहे मेरा रुद्राक्ष का वीडियो, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका, उसको देखना चाहे डिस्क्रिप्शन में तो देखिएगा। बिल्कुल आपको गारंटी देते हैं हम, उसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मतलब निहायत ही जो वीडियो का लेवल लो हो सकता है वो सारा लेवल उसमें हमने अचीव किया है। लेकिन हाँ, थंबनेल बनाना आ गया था, पहला थंबनेल उस पर लगा दिया है मैंने। हालांकि मेरी आज भी थंबनेल की क्वालिटी या वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं ही मानता हूँ कि मेरे में सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। फिर एक सोचा कि यार अब वीडियो किसे बना दें, कुछ मतलब आ गया था अभी वीडियो बनाने, तो एक पानी बना दी वीडियो, उसका भी थोड़ा सा क्वालिटी वैसी ही थी। तो ये सब चीजें शुरू हुई लगभग 23-24 जून को और आज है 25 सितंबर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हो गए और 3 महीने में हमने ये 1000 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। बहुत से भाई लोग होंगे जो 1 महीने में पूरा कर लिए होंगे, 15 दिन में पूरा कर लिए होंगे। मेरा कोई बैकअप चैनल नहीं था, किसी भी यूट्यूबर से मैंने अपने चैनल को प्रमोट नहीं कराया, न तो मेरा कोई पहले से यूट्यूब पे एक्सपीरियंस था। बस मैं 2-3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा जिनकी वीडियो देख करके मैंने ये सब काम करना सीखा है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। मनोज डे का नाम मैं लेना चाहूंगा, मनोज डे की वीडियो देखता था। दूसरा योगी योगेंद्र का वीडियो देखता रहा, टेक्निकल योगी आप जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस है। धर्मेंद्र कुमार जी का भी वीडियो देखता था कि वीडियो से कैसे टाइटल बनाएं, कैसे थंबनेल बनाएं, कुछ कैसे ग्रो करें। हालांकि ये सारे लोग बार बार कहा कि इसको शेयर नहीं करना चाहिए, वीडियो को शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं शेयर करने से रोक नहीं पाता था। कि 2 व्यू आना शुरू हुआ, 4 व्यू, 10 व्यू, 20 व्यू, 1-2 वीडियो मेरी थोड़ी सी चली, वायरल तो नहीं कर सकता अभी, मेरी कोई वीडियो बहुत वायरल तो नहीं हुई है। 17,000-18,000 व्यू आए हैं एक चैनल, एक पे तो किसी पे 12,000-8,000-10,000 ऐसे 2-3 वीडियो, मतलब 8-10,000 और 12,000 के बीच में 2-3 वीडियो आ गई है। एक पे 18-20,000 का व्यू आ गया है और 7-8 वीडियो मेरी ऐसी हो गई है जिसपे 5,000 के ऊपर व्यू आ गए हैं, 6,000-5,000-4,000 व्यू, और 7-8 वीडियो ऐसी है जिसपे 1,200-1,500-1,000 व्यू आ गई है।
तो कुल मिलाकर इस तरह से मैं यहाँ पर रास्ता तय हुआ। आप सब्सक्राइबर हो, आप अच्छी तरह जानते हो, आपने सपोर्ट किया है। तो मैं इस काबिल तो नहीं हूँ जिस काबिल जिसने आपने मुझे 3 महीने में यहाँ पहुँचाया। आपके बूते ही मैं कह सकता हूँ कि अब अगला टारगेट हमारा है 5,000 सब्सक्राइबर का, और 1,000 के बाद 5,000 हम कब तक पहुँचते हैं। खैर, नंबर्स मायने नहीं रखते, मायने रखता है आपका प्यार। हमारे लिए 100 व्यू भी आते हैं, 100 लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, ये एक बड़ी बात है। 10 व्यू आते हैं फिर भी मैं संतुष्ट हूँ कि 10 लोगों ने भी तो मेरी वीडियो देखी। और अगर हम 10 लोगों की भी हेल्प कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। जीवन में आदमी अगर एक आदमी की भी हेल्प कर पाए तो बड़ी बात है। थैंक्स 500 सब्सक्राइबर मैंने वीडियो बनाई थी, उस दिन 6 सितम्बर था, उस दिन लैंड करने वाला था चंद्रमा की सतह पर, और मैंने उसी दिन शाम को वीडियो शूट किया था। तो हमने कहा था ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारे विक्रम के लिए, और अब तो आप जानते हैं कि विक्रम लैंड सफलतापूर्वक नहीं कर पाया, उसे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और वो जैसे तैसे चंद्रमा से तरफ गिर गया। उसकी फोटो वोटो भी आई और हमारा जो मिशन था वो 100% नहीं, 95% ही सफल हो पाया। यहाँ भी चूंकि अब मैं उस दिन के बाद आज ही आपसे बात कर रहा हूँ तो इसलिए से बात करना जरूरी है। बहुत सी निराशावादी लोग इसके निराश है कि असफल हो गया हमारा चंद्रयान। तो मतलब ऐसी नेगेटिविटी से मतलब कुछ होता नहीं है, नेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं है। मेरी एक स्पेशल वीडियो में ही मैंने 15 अगस्त को बनाई थी, उसमें एक बात कही थी, जब मेरी वीडियो नहीं चलती है या जब मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है, मुझे असफलता हाथ लगती है या मेरा मनचाहा लक्ष्य जब हासिल नहीं होता तो मैं कविता याद करता हूँ, तो मैं कविता पढ़ता हूँ। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। हम चींटी से प्रेरणा लेंगे और हम फिर प्रयास करेंगे, ईश्वर करेगा एक दिन चंद्रमा को फतह करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।